शिबा के लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हयाती दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह हर लड़की की नेक नसीब करें। बच्चों को जो होते हैं ना कलर्स बहुत पसंद होते हैं, क्यूट बेबी के लिए क्यूट क्यूट कपड़े है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग सब। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे सामने आपको कुछ बेबी फ्रॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बहन है, मेरी बड़ी बहन जो है, उनको जो है न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, यानी एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी नन्ही सी परी उनके यहाँ आई है अल्लाह की तरफ से। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है थोड़ी शॉपिंग की है। वो जब से वो हुई है तब से हम लोग मेरी बहन के घर हम लोग जा नहीं पाए, तो अब हम लोग ने जाने का प्लान किया है। तो मैं शॉपिंग करने गई थी मगर और भी मुझे बहुत कुछ लेना था लेकिन मैं नहीं ले पाई गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं जितना हो सका उतना मैंने ले लिया। और इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला तो कल थोड़ा बहुत और सामान उसके टॉयज़ वगैरह मैं ले लूँगी, लेकिन जितना सामान मैंने आज ख़रीदा है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी खुशी में आप लोगों को शरीक करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी मेरा वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, एंड तक देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मुझे बताना कि नन्ही एंजल के लिए जो मैंने कपड़े ख़रीदे हैं वो आप लोगों को कैसे ख़रीदे और मैंने सही ख़रीदे हैं या नहीं, क्योंकि वो अभी 6 मंथ की बेबी है। तो पता नहीं, मैंने तो भैया जी से बोला था कि 1 साल की बेबी का देना, लेकिन कुछ कपड़े मुझे छोटे लग रहे हैं, कुछ कपड़े मुझे बड़े लग रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि मैंने कपड़े जो भी बेबी फ्रॉक्स लिए हैं, जो भी मैंने लिया है, वो मैंने परफेक्ट लिया है या नहीं लिया है, और मुझे क्या क्या लेना चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला फ्रॉक जो है, देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने फ्रॉक लिया है रानी बेटी के लिए, देखिए। और बहुत देखिए कितना खूबसूरत है, और इसके बटन देखिए कितने खूबसूरत है, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, कॉटन कपड़ा है, क्योंकि बच्चों को गर्मियों में पहनने के लिए कपड़े अच्छे होते हैं। तो लगभग 1 साल 1.25 साल तक तो वो ये पहन ही सकती है कि नहीं। तो गाइज़ ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है, ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ देखिए मैंने ये लिया है ब्लैक लेगीज, एकदम क्यूट सी बेबी गर्ल के लिए देगी। और उसी के साथ मिलता जुलता मैंने एक और टॉप ले लिया है, यानी एक लेगीज पर दो टॉप वो इजीली वेयर कर सकती है ना। ये उसका रहा पहला आउटफिट। तो देखिए सेकंड जो है मैंने ये कपड़ा लिया है, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, वो कोई ओकेशन पर या अपने बर्थडे पर पहन सकती है। देखिए कितना खूबसूरत सा है, और ये इसका स्कर्ट रहा, क्यूट बेबी के लिए क्यूट क्यूट कपड़े है ना। और इसका फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है, इसका काम बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है कपड़े की, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, जब पहनेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी और बहुत क्यूट सी है। गाइस मैं आपको उसका नाम बताना भूल गई, उसका नाम है हिबा। तो ये हिबा का दूसरा आउटफिट। अब गाइस ये है उसका तीसरा आउटफिट, ये भी एक गाउन है, वो स्कर्ट और टॉप था और ये गाउन है। ये देखिए कितना नौरंगी गाउन है, बहुत से कलर्स है। बच्चों को जो होते हैं ना कलर्स बहुत पसंद होते, इसके लिए हमेशा मैं ऐसे कलर्स ही चुनती हूँ। मैं किसी के लिए भी जब गिफ्ट ले जाती हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई फ्रेंड्स हो या फिर फ्रेंड्स फैमिली कोई भी हो, तो मैं बच्चों के लिए खास कलरफुल कपड़े ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है कलरफुल चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तो गाइज़ ये रहा गाउन, और ये रहा पीछे का इसका कलर। मुझे जैसे ही मैंने इस गाउन को देखा, मुझे एक नज़र में ये पसंद आ गया, मैंने सोचा ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, चलो ले लेते। तो गाइज़ आपको कैसा लगा मेरा गाउन ज़रूर बताना। उसी के साथ मैंने एक एक कैप ले ली है, ये वो सर्दियों में ठंड में जब रात में बच्चे सोते हैं या कहीं आना जाना हो तो ये कैप पहना सकते हैं। मैंने एक सॉक्स भी ले लिया है, वाइट सॉक्स। फ्रेंड्स फोर्थ आउटफिट देखिए, बहुत ही इजी टू वेयर है और बहुत ही कंफर्टेबल है, और बहुत ही देखिए कपड़ा कितना इसका सॉफ्ट है, कपड़ा इसका कितना सॉफ्ट है और स्ट्रेचेबल है। गर्मियों में, ठंडी में, बारिश में, एनी सीज़न में आप ये वेयर कर सकते हो अपनी बेबी को। इसके लिए मैंने यही अपने माइंड में रखते हुए इसको डिसाइड किया था। फ्रेंड्स इसका आखिरी आउटफिट, आखिरी ड्रेस ये देखिए, ये जो है ये तो उससे पहनने के लिए लगभग 1.5 साल 2 साल और जाने चाहिए तब ये वेयर कर पाएगी वो। हिबा के लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हयाती दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह हर लड़की की नेक नसीब करें। दोस्तों एक चीज़ और मैंने ले ली है हिबा के लिए, ये देखिए, ये है बहुत ही क्यूट से प्यारे से चप्पल। देखिए मैं आपको उसको निकाल कर बताती हूँ, कितने खूबसूरत से, कितने प्यारे से चप्पल है। ये भी मैंने ले लिया है, इस तरह से इसको पीछे से अटैच कर देंगे तो वो पहनकर अपने चुन्ने मुन्ने पैरों से चलने शुरू करेगी।
फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ जो हिबा पहनकर खूब घर में नाचेगी और कूदेगी, यहाँ से वहाँ दौड़ेगी, और वो है ये पायल जो कि मैंने अपनी हिबा के लिए लाई है। देखिए कितने अच्छे इसके घुंघरू हैं, और इसमें यहाँ पर डायमंड भी लगा है और बहुत से घुंघरू है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते होंगे, कितने खूबसूरत है। जब वो चलेगी तो उसके पैरों में ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, और बच्चों को ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए मैंने ये सोचते हुए भी ये लिया था। तो ये देखिए आज ही, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी पायल है। और उसी के साथ मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट भी लिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते होंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है, कितना चमक रहा है। तो दोस्तों ये थी हिबा के लिए उसकी आंटी की तरफ से, यानी मौसी की तरफ से, मींस खाला की तरफ से छोटी सी शॉपिंग। आई होप के हिबा को और मेरी बहन और मेरे जीजा जी को ये शॉपिंग पसंद आए, और उनको मेरी छोटा सा गिफ्ट उनको अच्छा लगे, और ख़ासकर हिबा इसे देखकर और पहनकर खुश हो जाए। आप लोग भी हिबा के लिए दुआ कीजिए, और साथ में हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।